शिवसेना संजय राउत आज यानी शुक्रवार दोपहर 12 बजे ईडी के कार्यालय में पेश होंगे। आपको बता दें कि संजय को जमीन घोटाले के मामले में समन भेजा गया था। उन्होंने शिवसेना कार्यकर्ताओं से ईडी कार्यालय का सामान इकट्ठा न होने की अपील की है। संजय ने कहा है कि सभी जानते हैं कि यह पूरी तरीके से राजनीति है। केंद्रीय एजेंसी ने मुझे तलब किया और मैं एक नागरिक होने के साथ साथ एक सांसद भी हूँ, इसलिए मैं ईडी के पास अवश्य जाऊँगा। आपको बता दें कि ईडी ने पात्रा चौल जमीन घोटाले केस में पूछताछ के लिए राउत को 29 जून को हाजिर होने का नोटिस दिया था। इसके बाद राउत के वकील ने मुंबई ईडी ऑफिस में जाकर पेशी के लिए मोहलत मांगी थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कम समय मिलने का हवाला दिया था। तो वहीं राउत से पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज लाने के लिए भी कहा गया था। इससे पहले उन्होंने सोमवार को ईडी के समन को साजिश करार करते हुए एक ट्वीट भी किया था। अब मैं समझता हूँ कि ईडी मुझे समन क्यों भेजा है। अच्छा है, महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। बाला साहब के हम सभी शिव सैनिक एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। यह साजिश चल रही है। मेरी गर्दन कट जाए तो भी मैं गुवाहाटी के रास्ते पर नहीं जाऊँगा। चलो अच्छा है, मुझे गिरफ्तार करो। जय महाराष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।